हाय गाइस, वेलकम बैक। सो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे कि वीडियो लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट पे है। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सीमेंट की टेस्टिंग क्यों की जाती है, यूज़ करने से पहले कौन से टेस्ट सीमेंट पे किए जाते हैं और लेबोरेटरी टेस्ट कौन से सीमेंट पे किए जाते हैं उसकी क्वालिटी को जानने के लिए। सीमेंट के टेस्ट को समझने से पहले सीमेंट कैसे बनाया जाता है, सीमेंट कितने टाइप्स का होता है, ये पता होना ज़रूरी है। तो गाइज़, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की है जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। गाइज़, उन वीडियोस को देखिएगा, उससे इस वीडियो को समझना आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट इज़ व्हाई सीमेंट इज़ टेस्टेड बिफोर यूजिंग इन स्ट्रक्चर्स। गाइज़, आपको बता दूँ कि किसी भी प्रोजेक्ट में 70% तक कॉस्ट जो है वो मटेरियल्स को ख़रीदने में जाती है डायरेक्टली, और बाकी 30% बाकी एक्सपेंसेस होते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूज़ करने से पहले इसकी क्वालिटी का पता हो और हम चेक करें। बाकी टेस्ट सीमेंट पे किए जाते हैं ताकि सीमेंट की स्ट्रेंथ और उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल सके। सेकंड वन इज़ व्हाट आर द टेस्ट कंडक्टेड ऑन सीमेंट। तो गाइस, दो तरह के टेस्ट होते हैं जो सीमेंट पे परफॉर्म किए जाते हैं उसकी क्वालिटी और स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, लेबोरेटरी एंड फील्ड टेस्ट। लेबोरेटरी टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट में सीमेंट को लेने से पहले लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फील्ड टेस्ट उस वक्त किए जाते हैं जब टाइम कम हो या ऑन द फील्ड आए हुए सीमेंट की क्वालिटी को फाइंड करना हो। तो गाइज, इस वीडियो में हम लेबोरेटरी टेस्ट को स्टडी करेंगे। लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट में सबसे पहला टेस्ट होता है फाइननेस टेस्ट ऑफ सीमेंट का। इस टेस्ट में हम सीमेंट की फाइननेस को मेजर करते हैं। सीमेंट की फाइननेस रिस्पॉन्सिबल होती है रेट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन और रेट ऑफ ग्रेन स्ट्रेंथ के लिए। जितना ज़्यादा सीमेंट फाइन होगा उतनी तेज़ी से हाइड्रेशन होती है, और जितनी फास्ट हाइड्रेशन होगी उतने ही तेज़ी से वो स्ट्रेंथ गेन करता है। लेकिन ज़्यादा फाइन सीमेंट की सेटिंग भी क्विक होती है, इसलिए इसके पार्टिकल साइज़ को लिमिटेड रखा जाता है। सीमेंट की फाइननेस दो मेथड से मेजर की जाती है, सीव एनालिसिस एंड एयर परमिबिलिटी टेस्ट। और इस वीडियो में हम सीव एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। फाइननेस टेस्ट के लिए हमें IS 90 माइक्रोन सीव, वेइंग बैलेंस, सीव शेकिंग मशीन या मैनुअल शेकिंग कर सकते हैं सीमेंट चाहिए होता है। इस टेस्ट में हम 100 ग्राम ऑफ सीमेंट लेते हैं, उसको IS 90 माइक्रोन सीव पे शेक करते हैं। इसकी शेकिंग वहाँ पे 15 मिनट्स तक कंटिन्यू की जाती है। उसके बाद जो सीमेंट रिटर्न करता है इस 90 माइक्रोन सीव पे, उसको वेट करते हैं, तो वो सीमेंट टू द ओरिजिनल वेट ऑफ सीमेंट टेकन। यहाँ से हमें फाइननेस सीमेंट की मिलती है। और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए फाइननेस कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं पोर्टलैंड पोजोलैनिक सीमेंट, लो हीट सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए फाइननेस कभी भी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड टेस्ट, कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये टेस्ट किया जाता है ताकि परसेंटेज ऑफ वाटर फाइंड की जा सके, जिस परसेंटेज पे स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करे सीमेंट पेस्ट। इसके लिए वीकार्ट एपरेटस चाहिए जो कंसिस्ट करता है मूवेबल रॉड, ग्रेजुएटेड स्केल, मीडल और वीकार्ट मोल्ड पे। वीकार्ट मोल्ड का टॉप डाय 60 mm, बॉटम डाय 70 mm एंड हाइट 40 mm होती है। बात करते हैं प्रोसीजर की। तो प्रोसीजर में 400 ग्राम ऑफ सीमेंट इनिशियली लिया जाता है और उसमें वाटर ऐड किया जाता है 25% बाय वेट ऑफ सीमेंट इनिशियली। इस सीमेंट पेस्ट को वीकार्ट मोल्ड में फिल किया जाता है। उस असेंबली को वीकार्ट एपरेटस के अंडर रखा जाता है जिसमें प्लंजर फिट की होती है 10 mm डाया की, जिसको फ्री फॉल कराया जाता है सीमेंट पेस्ट के ऊपर। वो परसेंटेज जिस पे प्लंजर हमारी टॉप से 33-35 mm पेनिट्रेट करे या बॉटम से 5-7 mm ऊपर रह जाए, उस परसेंटेज को हम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर कहते हैं। इस टेस्ट के दौरान गेजिंग टाइम का ध्यान रखना होता है। गेजिंग टाइम वो टाइम होता है जब सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है वहाँ से लेके जब सीमेंट को हम मोल्ड में डालते हैं, तो ये मिनिमम 3 मिनट्स होना चाहिए एंड मैक्सिमम 5 मिनट्स होना चाहिए। तो गेजिंग टाइम मस्ट बी इन बिटवीन 3 मिनट्स टू 5 मिनट्स। अब बात करते हैं सेटिंग टाइम टेस्ट की। इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए भी वीकार्ट एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। इस टेस्ट में हम इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम को फाइंड करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम की बात करें तो इसका प्रोसीजर सेम रहता है जैसे कंसिस्टेंसी टेस्ट का था, सिर्फ दो चीज़ें रिप्लेस होती है। जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो 0.85 ऑफ पील लिया जाता है, मतलब जो परसेंटेज ऑफ वाटर कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज हुई थी उसका 85% ऐड किया जाता है इनिशियल सेटिंग टाइम में। सेकंड, जो प्लंजर 10 mm डाया की यूज़ होती थी कंसिस्टेंसी टेस्ट में, इस टेस्ट में उसको रिप्लेस किया जाता है 1 mm नीडल के साथ जो फ्लैट क्रॉस सेक्शन की होती है। अब सीमेंट पेस्ट को उसी तरीके से बनाया जाता है, वीकार्ट मोल्ड में फिल किया जाता है, उसके बाद उस मोल्ड को पेस्ट के साथ प्लंजर नीडल के नीचे रखा जाता है।
तो इनिशियली नीडल जो है वो फुल पेनिट्रेट कर जाती है, पर टाइम के साथ सीमेंट जैसे जैसे सेट होता है वो उसकी पेनिट्रेशन को रेजिस्ट करती है। तो टाइम जिस टाइम पर हमारी जो नीडल है टॉप से 33 to 35 mm पेनिट्रेट करे या बॉटम से 5 to 7 mm टॉप पर आ जाए, उसको हम इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। नाउ एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। लो हीट सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 60 मिनट्स होता है एंड क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम जो है 5 मिनट्स होता है। ऐसे कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। अब फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ नीडल को रिप्लेस किया जाता है और एक नीडल का यूज़ किया जाता है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती है, जो 0.5 mm प्रोजेक्टेड होती है और 1 mm डायमीटर की होती है। उस नीडल को सीमेंट पेस्ट पे फाल करा जाता है टाइम के साथ, और जिस टाइम पे वो नीडल सीमेंट पेस्ट पे कोई भी इंप्रेशन मार्क ना कर सके उस टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का कहते हैं। तो एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ OPC सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट शुड नॉट बी मोर देन 10 आवर्स, वेयर एज क्विक सेटिंग सीमेंट का जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट होता है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड्स। अब बात करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट। इस टेस्ट को किया जाता है ताकि सीमेंट की स्ट्रेंथ मेजर की जा सके। इस टेस्ट में सीमेंट क्यूब्स को बनाया जाता है जिनका साइज 70.06 mm होता है, जिसमें सीमेंट और सैंड का प्रोपोर्शन 1:3 होता है, और परसेंटेज ऑफ वाटर इस टेस्ट में P/4+3 ली जाती है, वेयर P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट से हमें मिली थी। सीमेंट क्यूब्स बनाने के बाद 24 आवर्स के बाद उन क्यूब्स को निकाला जाता है और वाटर में रखा जाता है, और वाटर से उनको उसी दिन निकाला जाता है जिस दिन उनकी टेस्टिंग होती है, लाइक 3 days, 7 days and 28 days टेस्टिंग की जाती है। जो लोड अप्लाई किया जाता है CTM कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में वो यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाता है एट द रेट 35 N/sq mm। अब टेस्ट के बाद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट क्यूब्स की अगर 3 डेज स्ट्रेंथ लेते हैं तो इट शुड नेवर बी लेस देन 11.5 N/sq mm, और 7 डेज की 17.5 N/sq से कम नहीं होनी चाहिए, और 28 डेज की बात करें तो इट शुड नेवर बी लेस देन 25 N/mm². अब बात करते हैं गाइस साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट की। साउंडनेस का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रेजिस्ट वॉल्यूम और एक्सपेंशन, कि सीमेंट हार्ड होने के बाद एक्सपेंशन को कितना रेजिस्ट कर सकते हैं, यही चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। अगर सीमेंट ज़्यादा एक्सपेंड होता है तो वो सही क्वालिटी का नहीं है, इसके लिए एपरेटस चाहिए, ली चैटलियर एपरेटस की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोसीजर की बात करें तो 100 ग्राम सीमेंट लिया जाता है और इसमें वाटर ऐड किया जाता है 0.78 ऑफ पी, वेयर पी इज़ द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ वाटर जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी से मिलता है। इस पेस्ट को मिक्स करने के बाद इस मोल्ड में डाला जाता है जिसका साइज 30 mm डाई एंड 30 mm हाइट होती है। इस मोल्ड के टॉप और बॉटम पे ग्लास प्लेट्स डाली जाती हैं। इस पूरी असेंबली को फिर वाटर में डाला जाता है जिसका टेम्परेचर 25 degrees Celsius to 29 degrees Celsius के बीच में होना चाहिए। आफ्टर 24 आवर्स इसको वहाँ से निकाला जाता है, और इसके बीच में जो इंडिकेटर्स है, जो लेग्स हैं जिनकी लेंथ 165 mm है, इनका डिस्टेंस मेजर किया जाता है, लेंथ ऑफ एक्सपेंशन। उसके बाद इस पूरी असेंबली को पानी में डाला जाता है जिस पानी का टेम्परेचर 25 to 30 minutes में बॉइलिंग तक पहुंचना चाहिए, और 3 आवर्स तक इसको बॉयल किया जाता है। इसके बाद जो डिस्टेंस इंडिकेटर्स के बीच में है वो फिर से मेजर किया जाता है। तो अब साउंडनेस को मेजर कैसे करते हैं? लेंथ एक्सपेंशन आफ्टर बॉइलिंग जो मिलती है हमारे पास, माइनस लेंथ ऑफ एक्सपेंशन बिफोर बॉइलिंग, इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ एक्सपेंशन बिफोर बॉइलिंग मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ पे एक परसेंटेज मिलती है। तो दिस परसेंटेज शुड नेवर बी मोर देन 10%, अगर 10% से ज़्यादा है तो मतलब ये सीमेंट ज़्यादा एक्सपेंड करेगा तो इट इज़ नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, बट अगर ये परसेंटेज 10 से कम है तो द सीमेंट विल नॉट एक्सपेंड टू मच आफ्टर हार्डनिंग, सो दिस सीमेंट इज़ ऑफ गुड क्वालिटी।